आपको पैसों की यहाँ पे जरूरत पड़ चुकी है और पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा। इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1,000 से लेके 2,00,000 रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं और इस लोन को सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखो, आपको लोन जब भी अप्लाई करना है, जब आपको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, अगर आपको लगता है कि मेरा कोई पर्सन को यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसों की नीड है, तो आपको लोन एप्लीकेशन की तरफ जाना है। बेवजह आपको लोन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करना। अगर आप बेवजह लोन अप्लाई करेंगे, अगर आप उसकी रिपेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे, आपका सिविल भी खराब हो जाएगा और आपको काफी सारी फोन कॉल्स भी आगे आ सकती है और आगे जाके आपको काफी परेशानी का सामना भी यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो लोन आपको जब भी अप्लाई करना है, जब आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। और जो एप्लीकेशन है RBI से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा, इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1,000 से लेके 2,00,000 रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको पैसों की यहाँ पे जरूरत पड़ चुकी है, तो आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक पे देखने। इस वीडियो में लोन अप्लाई करने से पहले आपको वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो का कोई भी पार्ट आप यहाँ पे स्किप मत करना। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हैं, तो बिल्कुल भी आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे जो लिमिट मिली है ना, 35,000 रुपए का मैंने लोन का अप्लाई यहाँ पे करके यहाँ पे दिखाऊंगा। अब जो 35,000 रुपए का मैंने लोन अप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है अगर मैं 5,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ ना, तो अगर मैं 5,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ 12 महीनों के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 12 महीनों के लिए अगर मैं अप्लाई करता हूँ, इंटरेस्ट रेट मुझे लगेगा 33% पर NM के हिसाब से और नीचे आ जाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जब भी लोन अप्लाई करना है ना, तो आप देख सकते हैं, अगर आप 5,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ ना, 5,000 के लोन को मैं अप्लाई करता हूं, तो यहां पे 4900 रुपए मेरे खाते में आ जाएंगे और 495 रुपए मेरी EMI यहां पे बन जाएगी। अगर आप यहां पे 10,000 रुपए के लोन को अप्लाई करते हैं, अगर आप 10,000 रुपए के लोन को यहां पे अप्लाई करते हैं ना, अगर आप 10,000 रुपए के लोन को अप्लाई करोगे, तो यहां पे आपके खाते में आएंगे 9800 रुपए, आपके खाते में आएंगे 9800 रुपए। 5,000 अप्लाई करोगे तो 4900 रुपए आएंगे। जब आपके खाते में 9800 रुपए आएंगे, आपकी EMI बनेगी 990 रुपए। तो वो भी आप यहां पे देख सकते हैं, नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद अगर आप 20,000 रुपए के लोन को अप्लाई करते हैं, आपके बैंक खाते में आएंगे 19,600 रुपए, आपके बैंक खाते में आ जाएंगे और 1980 रुपए आपकी EMI यहाँ पे बन जाएगी। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, कितना आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, उसके बाद आप जाके आसानी से लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर बता दूँ, अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा है 33% का आपको इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ पे लिखा है 6 मंथ का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, 8 मंथ का मिलेगा, 10 मंथ का मिलेगा और 12 मंथ का आपको यहाँ पे समय मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप इस एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 3 लोगों के ग्रुप को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब आपको ग्रुप को बनाना कैसे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीनों फोनों में आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक पर्सन को यहाँ पे लोन अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला पर्सन है ना, जैसे पहले पर्सन को यहाँ पे चाहिए 5,000 रुपए, तो मैं 5,000 रुपए यहाँ पे एंटर कर दिया। 5,000 रुपए दूसरे पर्सन को यहाँ पे चाहिए 10,000 रुपए, तो यहाँ पे मैंने 10,000 रुपए एंटर कर दिया। तीसरे पर्सन को यहाँ पे चाहिए 25,000 रुपए, तो यहाँ पे मैंने 25,000 रुपए एंटर कर दिया। जब मैंने सारा एंटर करा ना, तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट निकल के आया 40,000 रुपए। अब टोटल अमाउंट हमारा निकल के आ गया 40, क्योंकि हमें जो लोन अप्लाई करना है ना, तो ग्रुप लोन मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 40,000 रुपए आ गया, 3 लोगों ने यहाँ पे लोन अप्लाई किया। अब जो 3 बंदों ने लोन अप्लाई किया ना, तो इसका अमाउंट बन गया 40,000 रुपए। तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखेगा रिपेमेंट का टाइम। जो जिस बंदे ने यहाँ पे 5,000 रुपए यहाँ पे अप्लाई किए थे ना, उसको यहाँ पे देने पड़ेंगे 5,940 रुपए और जिसने अप्लाई किया था यहाँ पे 10,000 रुपए का, उसको देने पड़ेंगे 11,880 रुपए और जिसने अप्लाई किया था यहाँ पे 25,000 रुपए का, उसको देने पड़ेंगे 29,700 रुपए। इतना आपको समझ आ गया कि सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के साथ आपको टोटल रिपेमेंट करनी है 47,520 रुपए। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 40,000 रुपए का आपका लोन है, 12 मंथ का आपको समय मिलेगा, इंटरेस्ट आपको 33% का लगने वाला है, 47,520 रुपए की आपको रिपेमेंट यहाँ पे करनी है। अब आप ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको EMI का शेड्यूल यहाँ पे मिल जाएगा। 495 रुपए आपकी EMI बन जाएगी। जिसने 5,000 रुपए का लोन अप्लाई किया था, जिसने 10 का किया था, उसकी EMI बनेगी 990 रुपए और जिसने किया था 25 का, उसकी बनेगी यहाँ पे 2,475 रुपए। नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट ऑफ लोन का इंटरेस्ट यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखा है
प्रोसेसिंग फीस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी प्लस आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने मेंशन कर दिया। 495 रुपये आपकी ईएमआई है और 12 मंथ के लिए आपको ईएमआई को पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे साफ साफ पे लिखा है इंटरेस्ट आपका जो बना है 1040 रुपये। अगर यहाँ पे जिनने 1000 रुपये जो 10000 रुपये अप्लाई करे थे उसकी ईएमआई बनेगी 990 रुपये और 12 मंथ का आपको समय मिलेगा। 9800 रुपये आपके यहाँ पे बैंक खाते में आएंगे और 2080 रुपये का आपको ब्याज देना पड़ेगा। और जिसने अप्लाई किया था यहाँ पे 20000 रुपये का लोन, तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट में थोड़ा सा चेक कर लूँ कि यहाँ पे आपको कितने थर्ड, तो यहाँ पे जो थर्ड लोन अप्लाई किया था तो वो क्या था 25000 रुपये का। और जिसने अप्लाई किया था यहाँ पे 25000 रुपये का लोन, उसकी यहाँ पे ईएमआई बनेगी 2475 रुपये और 12 मंथ का उसको समय मिलेगा और 24500 रुपये उसके बैंक खाते में आएंगे और 5200 रुपये का उसको यहाँ पे ब्याज देना पड़ेगा। इतना आपको समझ आ चुका है कि आपको यहाँ पे जो लोन अप्लाई करना है तो ग्रुप बना के लोन अप्लाई करना है, बिना ग्रुप के आप यहाँ पे लोन अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको सारी सेटिंग यहाँ पे बता दी, सारी सेटिंग करने के बाद आपको प्रोसीड वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा फादर नेम, तो फादर नेम आपको यहाँ पे डाल देना, नीचे आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आप अपने घर में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, आपको क्लिक करना है, पैन कार्ड नंबर आपको डाल देना है, अपलोड पैन कार्ड आपको यहाँ पे डाल देना है, आधार कार्ड नंबर आपको डाल देना है, अपलोड आधार फ्रंट बैक आपको यहाँ पे डाल देना है। सारा डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है अल्टीमेट कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका जो भी यहाँ पे रेफरेंस नंबर है ना, वो रेफरेंस नेम आपको डाल देना है। नीचे आपको रिलेशनशिप डाल देनी है, नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है जिस अल्टीमेट नंबर का। नीचे आपको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आपको दोबारा से बैक कर देना है, तो आपको सेकंड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल वाले सेक्शन पे। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, मैं भी आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सैलरी पर्सन। अगर आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पे काफी लोगों को पता है कि भाई सैलरी पर्सन तो काफी लोग यहाँ पे नहीं है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा है बिजनेस। तो यहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपको बिजनेस का नेम यहाँ पे डाल देना है, बिजनेस स्टार्ट डेट आपको यहाँ पे डाल देना है, नीचे आपको मंथली इनकम यहाँ पे डाल देना है, अपलोड सैलरी स्लिप आईडी कार्ड। तो यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन आ रहा है और सेल्फ एम्प्लॉयड के ऑप्शन में हमें लिखा हुआ है अपलोड सैलरी स्लिप आईडी कार्ड। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपके पास कोई आईडी कार्ड है वो आईडी कार्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आ जाना है। तो लास्ट आपको ऑप्शन मिलेगा बैंक डिटेल का, आपको बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। बैंक डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आने के बाद आपको एफएससी कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है अपलोड बैंक स्टेटमेंट, आपको जो अपनी बैंक की स्टेटमेंट है ना वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। स्टेटमेंट देने के साथ साथ आपको पासबुक की फोटो भी यहाँ पे देनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे आपको कैमरे का निशान यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको जैसे इस पे फील करेंगे आपको सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे डाल देनी है। पासबुक की फोटो हो सकता है कि आपको यहाँ पे डालनी पड़े, डालने पड़ने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है तो आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले से यही बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देख लेना है, अगर आपको लगता है कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे बता दिया, अगर आपको ग्रुप लोन यहाँ पे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो सबसे पहले आप इसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं, 4.4 की इसकी रेटिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे की तरह आएंगे 10 लाख प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको इसके अबाउट में आ जाना है। तो भाई हमारे को ये भी पता होना चाहिए इस एप्लीकेशन का जो लोन है उसको वहाँ पे कौन वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको करना है कि सबसे पहले आपको ये सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो ऊपर की तरह आपको मिलेगा 20000 से लेकर 2 लाख रुपये का आपको लोन मिल जाएगा, लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है। इसको जो प्रोवाइड कर रहा है कोच इन द डिजिटल ग्रुप लोन, आपको मैंने पहले से बताया था आपको ग्रुप लोन मिलेगा। और यहां पे लिखा है बाय द यहां पे फाइनेंशियल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, तो यहां पे लिखा हुआ उसके बाद लिखा है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी प्रोवाइड ग्रुप लोन ऑफ द अप टू 2 लाख। तो 2 लाख रुपए का आपको लोन मिलेगा, आपको लोन मिलेगा एक ग्रुप लोन आपको यहां पे मिलेगा। आपको पता होगा पहले भी यहां पे काफी लोग यहां पे घरों में भी लोन देके जाते थे जो कि ग्रुप लोन होता था। यहां पे जैसे काफी मतलब कि फीमेल को इकट्ठा होना पड़ता था उसके बाद वहां पे लोन मिलता था, मुझे लगता है वही लोन है। तो यहां पे आपको करना क्या, कोच हैज द पार्टनर विद द एनबीएफसी लाइसेंस द अर्जिस बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। तो यहां पे लिखा हुआ है इन्होंने सारा कुछ आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे लिखा है इंडियन सिटीजन आप यहाँ पे होने चाहिए, आपकी एज है 20 साल से लेकर 65 साल की यहाँ पे होनी चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, आधार नंबर यहाँ पे होना चाहिए, सैलरी स्लिप यहाँ पे आपके अनिवार्य है, सैलरी स्लिप और साथ में एम्प्लॉयमेंट आईडी। अगर आप यहाँ पे सैलरी पर्सन है तो सैलरी स्लिप दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई बिजनेस करते हैं एम्प्लॉयमेंट आईडी आप यहाँ पे दे सकते हैं। एप्लीकेशन का आप इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको लोन अप्लाई करने में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है, ईमेल सपोर्ट इनका
क्या है पे अवेलेबल है, आपको कॉल नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद एप्लीकेशन यहाँ पे कब आई थी वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 अगस्त 2019 को एप्लीकेशन रिलीज हुई थी, अभी यहाँ पे 24 चल रहा है, तो काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन है। अगर आपको पैसों की नीड है या इमरजेंसी है तो आप इस एप्लीकेशन पर लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन का नाम आप यहाँ भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन का नाम है कोच लोन ऐप। तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आसानी से जाके आप इसको डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।